सो हेलो गज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो गज, आज का वीडियो हम जानेंगे कि अगर आपका आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हुआ, अगर फेल हो गया कुछ इस प्रकार से, तो आपको दोबारा से किस प्रकार से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वेरीफाई किस प्रकार से आपको करना है, पूरा आज का वीडियो में डिटेल में स्टेप बाई स्टेप जानेंगे। जैसे आप लोग जानते हो कि अगर आपका आइडेंटिटी अगर फेल हो जाता है तो आपको जो कि दोबारा अप्लाई करने का भी ऑप्शन मिलता है, अगर दोबारा भी फेल हो जाता है तो आपको तीसरा बार भी ऑप्शन देता है जो अप्लाई करने का, ठीक है। लेकिन अगर आपका तीसरा बार भी फेल हो जाता है तो फिर आपका जो बटन है अप्लाई करने का वो जो कि खत्म हो जाता है गाइस, ठीक है। तो आपको जो कि तीन बार दिया जाता है, तो तीन बार में आपको जो सोच समझ के जो कि अप्लाई करना चाहिए, तभी आपका जो कि आइडेंटिटी वेरीफाई होता है। और आइडेंटिटी वेरीफाई होने के बाद ही आपका जो कि फिर से मोनेटाइज, मतलब चैनल जो कि फिर से मोनेटाइज होता है। बहुत लोगों का जो कि क्या होता है, जैसे मेरा खुद हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मेरा आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं किया था, इसके लिए मेरा चैनल जो कि डिमोनेटाइज हो गया। मतलब अच्छा खासा चैनल, चूँकि उसमें अर्निंग भी हो रहा था, लेकिन उसको जो कि डिमोनेटाइज हो गया था, तो खर्च छोड़ो, उसको डिमोनेटाइज हो गया था, लेकिन मैं आइडेंटिटी के लिए अप्लाई किया था गाइस। अप्लाई करने के बाद भी यहाँ पे जैसे देख सकते हो गाइस कि मेरे को कुछ इस प्रकार से ऑप्शन बता रहा था, मतलब फेल हो गया था, ठीक है। अब फेल क्यों हुआ गाइस? क्योंकि गाइस मैं जो पैन कार्ड से जो कि मतलब आइडेंटिटी वेरीफाई किया था, लेकिन पैन कार्ड में जो कि मेरा फोटो नहीं था, एक्चुअली मेरा जब एज 18 वर्ष से जब कम था तब मैं पैन कार्ड बनाया था, तो उसमें जो कि मेरा जो कि फोटो नहीं था गाइस, ठीक है। तो मैं क्या कहा था कि पिक्सेल एप्लीकेशन से जो कि एडिट करके उसमें फोटो लगाया था, लेकिन जब मैं उसमें सबमिट किया तो सबमिट तो हो गया था, मगर जो कि मेरे को कुछ दिन बाद मेरे को आइडेंटिटी फेल हो चुका है गाइस, ठीक है। तो मेरे को मालूम चल गया था कि आखिर फेल क्यों हुआ था, क्योंकि मैं थोड़ा चीटिंग किया था गाइस, कि पिक्सेल एप्लीकेशन से जो कि मैं फोटो लगा के जो कि सबमिट किया था। तो गाइस अगर आप भी ऐसा चीटिंग करते हो या फिर जो कि वो चीट करना चाहते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप अपना जो कि ओरिजिनल जो मतलब कार्ड है, जो भी आप कार्ड देना चाहते हो, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आई डी कार्ड या फिर पैन कार्ड, तो आपको क्या करना है कि उसका एक फोटो क्लिक कर लेना है, और आपको ध्यान में रखना है कि उसका चारों कोना जो कि आपको जो कि साफ साफ दिखना चाहिए उसका चारों कोना, ठीक है। और आपको ओरिजिनल जो कि मतलब आपको अपलोड करना पड़ेगा, फ्रंट बैक दोनों आपको जो कि नॉर्मल कैमरा से आपको जो फोटो खींच लेना, उसके बाद आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना, तो आपका जो कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और आपका जो कि डिटेल में जो कि आपको मतलब आपका प्रॉब्लम जो है फेल का, वो फेल दोबारा नहीं होगा। क्योंकि गाइस जो वहाँ पे चेक करता है, तो आपका जो कि आइडेंटिटी चेक करता है कि ये रियल आइडेंटिटी है या फिर फेक है, ठीक है। तो आज का वीडियो पूरा आपको डिटेल में जो कि सबमिट करके बताएंगे किस प्रकार से आपको क्या करना है, ठीक है। सो चलो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, वहीं पे डिटेल में जानेंगे किस प्रकार से आपको क्या करना है। सो चलो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। सो गाइस आ चुके हैं अपना मोबाइल का स्क्रीन पे। सो गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वाई टी स्टूडियो को यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं वाई टी स्टूडियो को ओपन किया है गाइस, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मेरा मोनेटाइज जो कि डिसेबल हो चुका है, जो कि मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के बताया था कि डिसेबल क्यों हुआ है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे देख सकते हो अर्न का ऑप्शन है, यहाँ पे अर्न का ऑप्शन पे टैप कर लेंगे। तो अर्न का ऑप्शन पे टैप करेंगे, सो यहाँ पे जैसे देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है फिक्स इन एक्सचेंज, यहाँ पे सिंपल से हम टैप कर लेंगे, ठीक है। आप सीधा क्रोम से जाके एक्सचेंज अकाउंट में जा सकते हो, तो मैं यहीं से चल जाता हूँ अपना वाई टी स्टूडियो से। यहाँ पे जैसे टैप करेंगे तो सीधा मेरे को जो कि एक्सचेंज अकाउंट में लेके चल जाएगा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो गाइस कि मेरे को यहाँ पे एक्सचेंज अकाउंट में यहाँ पे सीधा लेके आ चुका है, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो गाइज कि मेरा यहाँ पे $11 शो हो रहा है, और यहाँ पे जो कि आपको एक्शन बटन का बटन शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन बटन शो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एक्शन बटन पे टैप कर लेंगे। यहाँ पे जैसे टैप करते गए तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है आपके सामने, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो कि एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे रेड कलर होकर, यहाँ पे जैसे देख सकते हो, ठीक है। सिंपल से आपको यहाँ पे एक्शन बटन भी दिखाई दे रहा है, मगर आपको यहाँ पे रेड कलर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल से यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे जैसे हम टैप करते गए उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मैं जो आइडेंटिटी वेरीफाई किया था गैज, तो आइडेंटिटी एक्चुअली मेरा फेल हो गया था, ठीक है। तो फेल क्यों हुआ था गैज वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जो कि देख सकते हो कि आप यहाँ पे दोबारा भी यहाँ पे आइडेंटिटी वेरीफाई के लिए अप्लाई कर सकते हो गैज, ठीक है। तो गैज यहाँ पे आप सिर्फ तीन बार ही कर सकते हो, तीन बार करने के बाद ये जो कि आपका जो अप्लाई करने का ऑप्शन जो कि चल जाएगा, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको बहुत जो कि प्रॉब्लम हो सकता है गैज, ठीक है। तो आपको जो कि ध्यान से देखना है वीडियो को, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली जो कि मेरा फेल इसलिए हुआ था क्योंकि मैं आइडेंटिटी जो किया था, जो मेरा जो पैन कार्ड था उसमें मेरा फोटो नहीं था, ठीक है। कि मतलब मैंने का जो वो पैन कार्ड था, इसके लिए मेरा वेरीफाई नहीं हुआ, यहाँ पे फेल बता रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको टैप कर लेना है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं टैप करता हूँ गाइस, उसके बाद यहाँ पे जैसे देख दो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका पैन कार्ड में नाम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है ना।
उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो कि सिलेक्ट कर लेना है अपना आइडेंटिटी, मतलब आप यहाँ पे जिससे भी वेरीफाई करना चाहते हो, यहाँ पे आपको शो होगा जो कि ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे पासपोर्ट, यहाँ पे पैन कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पैन कार्ड से करना चाहूँगा तो यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। पैन कार्ड जैसे सिलेक्ट किया गया, उसका बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो कि ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है अपलोड फोटो, यहाँ पे जैसे देख सकते हो फ्रेंड एंड बैक, ठीक है। मतलब पैन कार्ड का आपका फ्रेंड का फोटो यहाँ पे और बैक का यहाँ पे अपलोड कर लेना है। सिंपल सा मैं यहाँ पे अपलोड पे फोटो पे टैप करता हूँ फ्रेंड, उसका यहाँ से मैं क्या करता हूँ गैस, जो भी मैं यहाँ पे जो पैन कार्ड का फोटो रखा हूँ वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ गैस, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल इसको जैसे सिलेक्ट कर लेता हूँ गैस, जैसे मैं यहाँ पे ए सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, एक सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, उसका थोड़ा वेट कर लेता हूँ। सो गैस थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो मेरा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे मैं जो कि बैक का भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गैस कि बैक का भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं क्या करता हूँ गैस कि यहाँ से जैसे मैं बैक का भी सिलेक्ट कर लिया गैस, ठीक है। सो गैज यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो गैज कि यहाँ पे मेरा फ्रेंड का और बैक का भी यहाँ पे जो कि अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे आपको जो कि नेक्स्ट का ऑप्शन पे स्वाइप टैप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सही है, मैं नेक्स्ट का ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ। तो जैसे नेक्स्ट का ऑप्शन पे टैप करता हूँ गैस, उसके बाद आपको जो कि यहाँ पे एक जो कि ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है गैस, ठीक है, यहाँ पे जो कि आपको एक एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वही एड्रेस डालना है जिस एड्रेस में आप जो क्या करते हो कि जो पिन को मंगाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बार एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एड्रेस वगैरह यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ गैज। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो फिलहाल तो यहाँ पे एड्रेस मिला सही है, ठीक है। तो मैं इसी एड्रेस को रहने देता हूँ। उसका सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे सिंपल सा आपको टैप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा सबमिट का ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ। तो गैज जैसे मैं सबमिट का ऑप्शन पे यहाँ पे टैप किया, उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है गैज, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ गैज, यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मेरा जो एड्रेस है वो यहाँ पे सबमिट हो रहा है गैज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है गैज कि आपका जो जिस भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट का आपका जो कि फोटो जो कि बिल्कुल साफ होना चाहिए और आपका जो कि चारों कोना जो बराबर होना चाहिए गैज, ठीक है। उसका यहाँ पे जैसे देख सकते हो सबमिट मेरा हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे जो कि गो इट पे टैप कर लेंगे, यहाँ पे जैसे टैप करता हूँ गैज, उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है गैज, ठीक है। उसके बाद आपको जो कि 10 से 15 दिन के अंदर जो भी आप एड्रेस डालो हो उसी एड्रेस में आपको जो कि इसका पिन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा वेट कर लेना, 10 से 15 दिन, किसी का 20 दिन भी लग जाता है, तो आपको वेट कर लेना है। फिर आपको एड्रेस में जो भी आप नंबर दिए हो उस नंबर पे आपको कॉल करेगा कि आपका ड्राइवर मतलब आपका जो पार्सल आ गया है, फिर आप जो कि एक्सचेंज जो पिन लेके चल जाना है, ठीक है। सो गाइज कैसा लगा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल में हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतने, ओके बाय, टेक केयर।